विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि लोगों को कुशल प्रशासन देना और जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है, ताकि गरीब लोग उनका लाभ प्राप्त कर सकें। विधानसभा अध्यक्ष ने धीरा में बेटी है अनमोल योजना में 18 लाभार्थियों को 2,06,000, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 2 लाभार्थियों को 80,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की। अध्यक्ष ने कहा कि धीरा के सभी कार्यालयों को एक ही छत के अधीन लाने के लिए यहां संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है और भवन निर्माण के 11 करोड़ रुपए का प्राकलन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएचसी धीरा के नए भवन के निर्माण पर भी 5.5 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरा उपमंडल के चंगर क्षेत्र की सड़कों के सुधार और विस्तार पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल के सुधार के लिए जल जीवन मिशन में चौकी जोना 11वां पेयजल योजना पर 1,67,00,000 तथा कंगैहन ठुम्बू पेयजल योजना में सुनपुर लाहड़ू पुड़वा बलोटा पेयजल योजना का निर्माण पर 1 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और 6 माह में लोगों को समर्पित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पना पर हार से खोली सड़क निर्माण पर 2,69,00,000 रुपए, ग्राम पंचायत नोरा से कोट बया कथा बस्ती सड़क पर 88,00,000 तथा शंभु महादेव से मलहेटू सड़क पर 43,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। हो रही है, तैयार हो गई है, 11 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। यही बिल्कुल पिछली तरफ और इसको साथ में जोड़ा जाएगा, यानी सारे जो दफ्तर हैं वो एक ही छत के नीचे हों, ये प्रयास हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो हॉस्पिटल है, सीएससी है, उसकी बिल्डिंग भी लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी काम अवार्ड कर दिया है। यानी यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश हो रही है। चंगर क्षेत्र को सड़कों से 10 करोड़ से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। चंबी चीड़न से चंबी और ठेरक, जिसको लाहा ठाकरा कहते हैं, देवी टिल्ला कहते हैं, वहां तक सड़क को जोड़ने के लिए नवाड और पीएमजीएसवाई से पैसे सैंक्शन हो गए हैं। कोरोना के कारण कुछ काम रुके थे आर्थिक संकट के कारण या सारे काम ठप होने के कारण, अब कामों को गति दी जा रही है और उन कामों को गति दी जा रही है। उसी का रूप यह है कि आज यहां पर चेक आवंटन का काम यहां पर हमने शुरू किया है। तो ऐसी बच्चियों की माताओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि बेटी है अनमोल, और अनमोल तो है, दो घरों में रोशनी देती है बेटी, पर समाज में कुछ नजरिया ऐसा बन गया है कि बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए। ठीक है, बेटा भी चाहिए, यानी भारत सरकार भी और हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कह रही है कि आपको रोजगार दिया जाए, और रोजगार किस शक्ल में दिया जाए कि वहां पर मनरेगा समग्र में आप काम करें, दिहाड़ी लगाएं। हम 1 बीघा योजना में हम अपने काम डलवाएं और काम करवाएं, ताकि इस कोरोना की महामारी के कारण जो एक आर्थिक संकट जैसी स्थिति पैदा हुई है, उसमें मनरेगा के माध्यम से हम अपने जीवन यापन को शुरू करें। ये मैंने हर पंचायत में ये आदेश दिए हैं, कोई पैमाना नहीं, पैमाना ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार तैयार करेंगे, ये व्यवस्था हमने शुरू की है। उसी तरीके से लोक निर्माण विभाग है, आईपीएच विभाग है या अन्य जितने तमाम विभाग हैं, उन्होंने भी कामों को गति और दिशा दी है, और उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। धीरा जहां पर हम खड़े हैं, यहां हम बहुत से सब डिवीजन है, यहां पर तहसील जो है, पहले सब तहसील थी, अब तहसील बना दी गई है, यहां पर तहसीलदार आ गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने वाले दिनों में यहां पर हम मिनी सचिवालय का शिलान्यास करवाएं।